सो बस इसी भीड़ भाड़ के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है और अब बस 3 दिन बचे हैं मेरे इंटर्नशिप ख़त्म होने में और मैं ये 3 दिनों का व्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ साक्षी सिंह एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू व्लॉग। सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लास्ट 3 दिनों में हमें काम नहीं करना था और इंजॉय करना था, कैंपस पूरा घूमना था, बट जो सोचा हुआ है वैसा अगर हो जाए तो लाइफ तो बहुत अच्छी बन जाएगी। सो हमें भेज दिया गया बहुत सारे प्रिंट्स लाने के लिए क्योंकि आज प्रेजेंटेशन था और यहाँ पे बिना आईडी के कोई काम नहीं होता। सो हम आ गए हैं यहाँ पे बल्क प्रिंट लेने के लिए, देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है। सो गाइज हम आए हैं शूट करने के लिए और हमें मुफ्त का मॉडल भी बना दिया गया है यहाँ पर। क्या क्या करवाएंगे यार ये लोग मुफ्त में हमसे। सो गाइज ऐसा है कि मैं आपको पूरा गारमेंट नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन हियर, क्योंकि ये सारा मार्केट में अभी तक आया नहीं है। सो आई कांट शो यू गाइज दिस आउटफिट्स। सोचा था पूरा दिन घूमेंगे खाएंगे पिएंगे, बट पूरा दिन शूट में निकल गया और अब हम चले घर। साक्षी का व्लॉग मैंने हैक कर लिया है, अब से साक्षी के इस चैनल पे मेरे वीडियोस आएंगे। साक्षी अगर आपको चैनल पे दिखती है वापस तो समझ लेना कि मेरे से फोन छीन के भाग गई है। हाँ हम लोग मैकडी में आए थे और बहुत बकचोदी की बहुत, और इसने मेरे को ऐसा बहुत खतरनाक वाला गॉसिप बताया। ये ब्लॉग में बताती नहीं है ऐसा कुछ फालतू गॉसिप, फालतू नहीं बहुत भारी गॉसिप है। और फिर उसके बाद ना इसने मेरे को इसका निफ्ट का स्टोरी बताया, मैंने तो मेरा कॉलेज का स्टोरी बताया, इसने इसका इंटर्नशिप बताया, मैंने मेरा इंटर्नशिप बताया, जिसमें मैंने थोड़ी इसकी जलाई क्योंकि मेरे को पैसा मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। और ये इसका रिएक्शन है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। देख साक्षी है ना हमेशा से बहुत एक्सट्रोवर्ट है, साक्षी को ऐसा लगा नहीं था नमन इतना एक्सट्रोवर्ट रहेगा, इतना ज़्यादा बक 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 करेगा। साक्षी देखा देखा इसका इसका बोलती बंद हो चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है उसके आगे। सो गाइज इट वॉज अ नाइस डेट विद अ नाइस बॉय, बट ही इज सो मीन। लोग बात करते करते इतना मंत्र मुक्त हो गए थे। डेढ़ घंटा तक बात किया है भाई हम लोग ने, डेढ़ घंटा तक। तो हम लोग कुछ 7 बजे मिले और ये कुत्ता लेट आया था। अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बताता हूँ, 9:30 बज रहा है, 9:30+ हो गया है, 9:32 हो रहा है अभी, ठीक है। सो हम लोग ने बहुत ज्यादा गॉसिप किया, पुरानी दोस्त मिली है मेरे को मेरी, बहुत अच्छी शाम थी। पर अच्छा पकाती है, मैंने बहुत बेकार भी नहीं पकाती है। आज तो मैं तारीफ कर रहा था कुत्ते इतना ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ भाई पकाती अच्छा पकाती है। कल रात घर जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मेरा फेस पूरा स्वेल हो चुका है, लेकिन व्लॉगिंग शुड बी कंटिन्यूड। सो या आई एम शूटिंग माय व्लॉग और मैं आज मुझे सीट मिल गई लकीली ट्रेन में, बिकॉज मैंने आज बहुत लेट वाली ट्रेन ली है। सो देखते हैं आज ऑफिस में क्या क्या कांड करवाते हैं हमसे। आज ऑफिस आते ही मैंने मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का काम किया है, सो आपको आगे चल के बता दूंगी कि मैंने काम क्या किया है। सो दिस इज़ माय सेकंड लास्ट डे इन द इंटर्नशिप एट रिलायंस एंड आज हम दूसरा कैंटीन एक्सप्लोर करने आए हैं और हम पंजाबी डिश खाने आए हैं। आज ऑफिस आते ही मैंने सिर्फ और सिर्फ सैम्पल्स कलेक्ट करे हैं जो भी मुझे मेरे पोर्टफोलियो में डालने हैं जिसके ऊपर मैंने काम करा है, और वो करते करते ही लंच का टाइम हो गया। सो आज मैं शूट शायद नहीं करूँगी क्योंकि मेरा फेस स्वेल लग रहा है और स्लीप डिप्राइव्ड लग रही हूँ मैं। सो आई डोंट थिंक आज मैं शूट कर पाऊँगी, आज सारी चीज़ें एक जगह पर कर दूँगी और कल मैं शूट कर लूँगी। सो गाइज इट्स प्रोबेबली माई लास्ट डे इंटर्नशिप एट रिलायंस, आज आखिरी दिन आ गया फाइनली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। फाइनली इट्स एन एंड ऑफ माई इंटर्नशिप, आज मैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए शूट करने वाली हूँ, आज का पूरा दिन डेडिकेटेड है मेरे खुद के पर्सनल वर्क के लिए। सो द शूट विल हैपन आफ्टर लंच, सो हम लंच करने के लिए आ गए और आज हम आए हैं ट्विन टावर में जो यहाँ का सबसे फेमस कैंटीन है, और आज हम फुल टू यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं, बहुत मस्ती करेंगे और खाएंगे पिएंगे।
सो वी वर डिस्कसिंग कि यार इतना टाइम हम लोग ने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, 2 महीना पूरा ऐसे चला गया. और बट कोई रिग्रेट नहीं है, 2 महीना पूरा काम करा है. लास्ट डे थोड़ा एक्सप्लोर किया, खाया पिया साथ में, मौज मस्ती की, एंड इट वॉज़ अ गुड डे. अनफॉर्चुनेटली सर ने आज कैमरा नहीं लाया था और आज मेरा आखिरी दिन था, तो मुझे जैसे तैसे आज शूट करना ही था, बिकॉज मैं एक दिन भी एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरा आज आईडी सबमिट हो जाता. और सिंस यू गाइस नो कि रिलायंस में आईडी के बगैर कुछ नहीं होता. इसी के साथ हमारा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ और हम जा रहे हैं इसे सेलिब्रेट करने. नॉन स्टॉप इतने सारे गारमेंट्स चेंज करने के बाद, शूट करने के बाद, मेरे पैर ने जवाब दे दिया है कि साक्षी तुमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा. और फिर भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और ये मुझे फ्रीडम इतनी अच्छी लग रही है. इवन मुझे क्या, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको ये इंटर्नशिप ख़त्म होना एक फ्रीडम से कम नहीं लग रहा. और वी आर वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट इट. We have came to mall and we are at gaming section. और आज हम कुछ धमाकेदार करना चाहते हैं. और उसके साथ ही हमने पहले कुछ खाया क्योंकि हमको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी. Couldn't win the game, but it was a fun evening with the girl gang. And since it was a celebration because it was the last date at our internship, so I am really excited kyunki mera internship khatam ho gaya and there is no burden at my head. So basically these guys made my internship easy for me because I was a junior and these guys were my senior and are my senior, and they are so cute. This was all about the last 3 days as an intern, and see you soonest in my next upcoming vlog. Till then, bye bye, take care.